दोस्तों, अगर आप पेटीएम से पैसा कमाना चाहते हैं और भी हर एक नंबर पर 40 रुपया, प्रति नंबर पर 40 रुपया कमाना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं हर एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस प्रकार पेटीएम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और किस प्रकार पेटीएम में पैसे लाकर और अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो टोटल सब फ्री है भाई, वीडियो को देखते रहिए अंत तक, तो आपको मिल सकते हैं 40 रुपये हर एक नंबर पर। और डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना भी बताऊंगा किस प्रकार में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और किस प्रकार पेटीएम ऐप को डाउनलोड करना है, ये पहले बताते हैं। चलिए शुरुआत से बिल्कुल एकदम सीढ़ी की पहली सीढ़ी चलते हैं। तो प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए, प्ले स्टोर का आइकन मैंने दिखा दिया है, तो प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए और सर्च बॉक्स में लिखिए, लिखना है पेटीएम। तो उन दोस्तों के बारे में बता रहा हूँ जो दोस्त हमारे कुछ भी नहीं जानते, मतलब किस प्रकार पेटीएम से ऐप को डाउनलोड करना है और किस प्रकार 40 रुपये हर एक नंबर पर पाना है, तो इस वीडियो में हम जानते हैं। ठीक है, वीडियो को देखते रहिए अंत तक। और लिखना है यहाँ क्या, पेटीएम इंग्लिश में लिखना है, लिखना है यहाँ पर पेटीएम। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, पूरी वीडियो देखना है तभी आपको समझ मिलेगा। अगर कहीं ने भी समझ नहीं मिला है तो यहाँ पर देख लीजिए, जब पेटीएम लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इंस्टॉलिंग का ऑप्शंस, तो यहाँ पर कर दीजिए इंस्टॉल। ठीक है, इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों अगर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं तुरंत आपका रिप्लाई करता हूँ, 24 घंटे कभी भी तुरंत रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर अब इंस्टॉल जब हो जाएगा तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ जाएगा और ओपन होने के बाद में यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, ओपन पर, और अगर आता है अलाउ का ऑप्शन तो अलाउ कर दीजिए, मेरे में अलाउ का ऑप्शन नहीं आया। उसके बाद में अलाउ करने के बाद में अगर आता है तो उसके बाद में डायरेक्टली आ जाएगा कंटिन्यू, तो कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अगर अलाउ का आता है तो सभी को अलाउ करना है। देख लीजिए, मैंने इधर साइड में दिखा दिया है आपको किस तरह अलाउ आएगा, तो यहाँ उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपको जो भाषा पसंद है, मैंने इंग्लिश से चुना है। उसके बाद में यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर हमें करना है क्या, करेक्ट ए न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। ठीक है, करेक्ट ए न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है, क्लिक कर दीजिए। मैं स्लो बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग कहते हैं आप स्लो बताइए, तो इसलिए अब मैं स्लो बता रहा हूँ धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप आप समझ जाएं पूरी बात। ठीक है, करेक्ट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपका मांगेगा मोबाइल नंबर, उसके बाद में करेक्ट पासवर्ड, उसके बाद में ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी डालिए ना डालिए, ठीक है, आपको डालना है क्या, पासवर्ड डालना है और फ़ोन नंबर डालना है। तो पासवर्ड होना चाहिए 8 अंक से कम नहीं होना चाहिए, 7 अंक होना चाहिए, उसमें एक नंबर भी होना चाहिए, मतलब एक गिनती भी होना चाहिए, 1 2 3 4 कोई भी रख दीजिए, कोई भी रख दीजिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ आलोक, जैसे मैंने लिख दिया आलोक, या इधर मैंने देख लीजिए कि इस तरह का भी पासवर्ड रख सकते हैं, अपने नाम का भी पासवर्ड रख सकते हैं, आपका जो नाम हो उसके बाद में गिनती एक नंबर भी लगाना है। ठीक है, उसके बाद में करेक्ट न्यू पर क्लिक करना है, जहाँ पर मैंने, उसके बाद में इस जो आपने नंबर डाला होगा उस पर 6 डिजिट का OTP जाएगा, OTP मतलब उस पर जाएगा 6 डिजिट का OTP, उसे यहाँ पर इंटर OTP पर डालना है। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो हमारा कीपैड खुल जाएगा और यहाँ पर 6 अंक का OTP डाल देना है। अगर OTP नहीं जाता है तो इस तरफ या यहाँ साइड में देखिए रिसेंट OTP लिखा है, अगर OTP नहीं जा रहा है तो रिसेंट OTP पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, दोबारा OTP भेज आपके नंबर पर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर OTP पा गए हैं तो यहाँ OTP डाल दीजिए। ठीक है, अगर नहीं जाता तो रिसेंट OTP पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर डालेंगे OTP। ठीक है, 6 डिजिट का OTP होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर डाल दीजिए OTP, 6 में रहा जैसे कि 83, 65 और 35 है, और उसके बाद में कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए, कन्फर्म पर क्लिक करना है। ठीक है, जब क्लिक करेंगे तो थोड़ा टाइम वेट करेंगे, बस कम से कम 2 सेकंड या 3 सेकंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ ऊपर देख लीजिए डॉन्ट ए लेटर लिखा है या फिर घोड़े का निशान जो आता है उस पर क्लिक करना है, या तो बैक बटन दबा दीजिए, उसके बाद ये इस तरह खुल जाएगा आपके सामने। ठीक है, इस तरह जब ओपन हो जाएगा तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस क्या करना है, यहाँ पर मोर पर क्लिक करना है। भाई स्टेप बाई स्टेप देखते रहिए, 40 रुपये आपके तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके ही दिखाऊंगा। ठीक है, मोर पर क्लिक कर दीजिए। मोर पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सर्च बॉक्स दिख जाएगा, तो सर्च बॉक्स में क्या लिखना है, लिखना है ऐड मनी भी लिख सकते हैं, ऐड लिख दीजिए, ऐड आ जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा ऐड मनी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर घोड़े का निशान है, ये क्लिक कर दीजिए, और कहीं पर नहीं क्लिक है, घोड़े पर निशान पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इंटर अमाउंट में लिखना है 40, तो 40 लिख दीजिए इंटर अमाउंट में। यहीं पर स्टेप बाय स्टेप देखना है, यहाँ से ध्यान से देखना है दोस्तों, कुछ भी नहीं, ध्यान से देखना है। और यहाँ हैव योर डिफरेंट प्रोमो कोड लिखा है, तो यहाँ पर करना है क्लिक, वहाँ पर 40 लिखने के बाद में यहाँ पर लिखना है
करना है, ठीक है। अगर आपने पेटीएम एप्लीकेशन पहले से डाउनलोड किया है तो उससे कर दीजिए अपडेट, क्योंकि अपडेट करेंगे तभी ये आएगा, ठीक है। यहाँ पर जहाँ लिखा है प्रोमो कोड, यहाँ पर लिखना है न्यू 40, मतलब न्यू लिखना है 40। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए अप्लाई लिखा है, मैंने तीर बना दिया है, अप्लाई लिखा है, उस पर अप्लाई पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर लिखना है ऐड मनी पर, तो ऐड मनी पर कर दीजिए क्लिक, ठीक है। उसके बाद में कर दीजिए वेट, थोड़ा वेट करिए 5 सेकेंड, थोड़ा सा 5 सेकेंड वेट करना है, ठीक है। आपको मिल चुके हैं 40 रुपये, जो आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर दिखाएगा आप अपनी पेटीएम अकाउंट में 0-0 बैलेंस दिखाएगा, मगर आपको मिल चुके हैं 40 रुपये टोटल, ठीक है। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, अभी नहीं वीडियो समाप्त हुई अभी, चलिए पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है। तो कैसे क्या करना है, अभी थोड़ा वेट करिए। यहाँ पर लिखा है जो पासबुक, तो यहाँ पर करना है क्लिक, यहाँ पर एक स्टेप थोड़ा सा रह गया है, यहाँ पर घुड़े का निशान है, तो ये घुड़े का निशान हटा दीजिए, ठीक है। इससे आपके जल्दी अकाउंट में बैलेंस पहुंच जाता है। तो यहाँ लिखा है व्यू योर बिल और पेमेंट एंड रिचार्ज ट्रैवल एंड शॉपिंग पर ऑर्डर पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है, रिपोर्ट पर नहीं क्लिक, अलग क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा ऊपर जाना है, ऊपर करिए, ऊपर करने के उसके बाद कंटिन्यू शॉपिंग पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। कंटिन्यू शॉपिंग पर क्लिक करना है, और कंटिन्यू शॉपिंग पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर लिखा है मोर, या फिर गोल्ड यहाँ लिख जाए तो यहाँ तो कोई बंद नहीं, तो मोर पर क्लिक कर दीजिए अगर आप न्यू हैं, ठीक है। और यहाँ सर्च बॉक्स में लिखना है गोल्ड, GOLD, गोल्ड लिखना है, गोल्ड लिख दीजिए। यहाँ पर गोल्ड आ जाएगा ऑप्शंस, यहाँ गोल्ड पर, ओनली गोल्ड पर क्लिक करना है, क्लिक कर देंगे, और क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। ओपन होने के बाद में यहाँ पर क्लिक करना है लॉकर में, यहाँ पर लॉकर में, और कहीं पर अमाउंट में कुछ भी नहीं डालना है। अब यहाँ पर, यहाँ से आपको सिर्फ 10 रुपये मिलते हैं अगर आप पुराने यूजर हैं, तो यहाँ पर करना है लॉकर में क्लिक। यहाँ पर देख लीजिए मेरे में 38 रुपये हो गए, मतलब 40 रुपये टोटल आ गए थे, मगर ये जो 3% GST कट जाता है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है सील गोल्ड, यहाँ पर लिखा है सील गोल्ड पर क्लिक करना है, तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर लिखा है, ये देखिए सील गोल्ड पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखना है अमाउंट जितना आपके यहाँ पर लिखा है अमाउंट में, ठीक है। यहाँ नीचे देख लिया RS रुपये का निशान, मैंने वहाँ पर लिखना है अमाउंट, मैं गोल्ड में डायरेक्टली ग्राम लिख देता हूँ, तो हो सकता है ग्राम भी लिख दीजिए जितना ऊपर लिखा है। तो ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ आ गया है, ठीक है, तो फिर से लिखते हैं, अगर कुछ गड़बड़े आते तो फिर से लिख दीजिए। तो मैं ग्राम लिखता हूँ, तो ग्राम आप लिख सकते हैं या अमाउंट लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिखना है अपना बैंक अकाउंट नंबर, तो दोस्तों यहाँ पर लिख दीजिए अपना बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। तो यहाँ फिर से कंफर्म, वही जो आपने ऊपर बैंक अकाउंट नंबर लिखा है वही बैंक अकाउंट फिर से लिखना है, कंफर्म करना है, ठीक है। यहाँ पर बैंक अकाउंट जिसके नाम है, जिसके नाम है बैंक अकाउंट नंबर, उसका नाम लिखना है। तो ये नाम है आरती देवी के, और बैंक अकाउंट IFC कोड आपको जो पासबुक होगा उस पर लिखा हुआ है IFC कोड, ठीक है, या फिर ब्रांच में पता कर लीजिए। प्रोसेस पर क्लिक करते हैं, IFC कोड अगर आपको पता नहीं हो रहा है तो अपने खाते में, मतलब जो पासबुक होगा उसमें IFC कोड लिखा होगा, उसमें ध्यान से देखना है, तो यहाँ IFC कोड लिखा होगा तो वही लिखना है IFC कोड। उसके बाद हमें करना है प्रोसेस टू सेल पर क्लिक, तो अपने आपके बैंक अकाउंट में पैसे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कर देते हैं प्रोसेस पर क्लिक, ठीक है, क्लिक करना है और थोड़ा टाइम वेट करना है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम वेट करते हैं, वेट करना है थोड़ा, बस लमसम अगर जितना और जब तले यस का यहाँ पर निशान नहीं बन जाता है तब तले आपको यहाँ वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे अकाउंट में पहुँच चुके हैं पैसे। तो दोस्तों आपको अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं तुरंत आपका रिप्लाई करता हूँ। और इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं स्टेप बाय बताया हूँ, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की नहीं आएगी, ठीक है। और इस प्रकार से 40 रुपये टोटल आ सकते हैं, तो ठीक है, बहुत ही गजब का है ट्रिक। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर दोस्तों थोड़ा भी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना है लाइक, अगर किया नहीं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर वीडियो को, तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर। और अगर आपने हमारे चैनल पर नए आए हैं, न्यू हैं व्यूवर्स, तो कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं एक गजब की ट्रिक्स और गजब के वीडियो में। और दोस्तों एक नई बात बता दूं, अगर आप कमाना चाहते हैं 120 रुपये, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है वीडियो का, या मेरे चैनल पर चले जाइए, तो मैंने टोटल कमाए हैं 120 रुपये, टोटल स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ कि किस प्रकार 120 रुपये।
स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, और अगर नहीं मिलता है तो वहाँ पर चले जाए मेरे चैनल पर। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और कर दीजिए वीडियो को शेयर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो अगर दोस्तों वीडियो कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स